Good morning, students. I am your English teacher Divya Srivastava, and today in English grammar we are going to start a new fresh chapter, chapter 13, story writing. आज हम story writing देखेंगे. So let's get started. Firstly, we had already covered the first topic. ये हम cover कर चुके हैं और आज हम इसका second story पढ़ने वाले हैं. ठीक है, second story हमारी क्या है? A fire. ठीक है, तो start करते हैं. A fire मतलब आग. Fire मतलब क्या होती है? आग. ठीक है, so let's get started. इट वॉज midnight. Midnight मतलब रात के बीचों बीच, रात में बीचों बीच था का समय था. Everyone in the family was in their bed. जो घर के लोग थे, घर में जो जितने भी सभी लोग थे, सब लोग कहाँ थे? अपने बेड पे थे. मतलब रात का टाइम था और सब लोग सोने के लिए अपने बेड पे आ गए थे. Only Rahul was awake. केवल जो राहुल था वही जगा हुआ था. He was studying for his exam. वो अपनी exams के लिए पढ़ाई कर रहा था. Suddenly, Rahul heard someone shouting for help. अचानक से, suddenly मतलब अचानक से, राहुल ने क्या सुना? कि कोई चिल्ला रहा है मदद के लिए. कोई चिल्ला रहा है. Help मतलब मदद. कोई मदद के लिए shout कर रहा है, चिल्ला रहा है. He looked out of his bedroom's window and saw a house on fire. उसने अपनी बेडरूम की विंडो से, खिड़की से देखा बाहर, तो उसने क्या देखा कि एक घर में क्या लगी हुई है? एक घर में आग लगी है. एक घर जो है वो जल रहा है. ठीक है, पीपल वर रनिंग एंड शाउटिंग. जो लोग थे वो यहां वहां भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे. क्विकली ही पिक्ड अप द टेलीफोन एंड कॉल्ड द फायर ब्रिगेड. तुरंत ही उसने टेलीफोन उठाया और फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दी. फायर ब्रिगेड कौन होते हैं? जो आके आग बुझाते हैं. इन फ्यू मिनट्स टू फायर इंजन्स अराइव्ड. कुछ ही मिनट में दो फायर इंजन्स वहां पे आ गए. द फायर मैन एक्सटिंग्विश्ड द फायर. जो फायरमैन थे उन्होंने आग को क्या कर दिया? बुझा दिया. नो वन गॉट हर्ट. किसी को भी कोई चोट नहीं आई. राहुल्स नेबर्स थैंक्ड हिम एंड प्रेज्ड हिम. राहुल के जो पड़ोसी थे उसने उनको थैंक यू बोला, पड़ोसियों ने राहुल को, और उसकी तारीफ करी. राहुल्स पेरेंट्स ऑल्सो हग्ड हिम एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम फॉर कॉलिंग द फायर ब्रिगेड. राहुल के माँ बाप ने भी राहुल को हग किया और काफी प्राउड फील किया कि उसने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करी. His school friends also praised him. उसके स्कूल की जो दोस्त थे उन्होंने भी उसकी बहुत तारीफ करी. तो ये a fire story writing is completed here. Now we will read third story. My school library. मेरी स्कूल की लाइब्रेरी. स्टार्ट करते हैं. My school has a very big library. मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पे हम बुक्स होती हैं स्कूल में, जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं, जहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में. ठीक है, इट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. ये स्कूल की बिल्डिंग के सबसे ग्राउंड फ्लोर पे है, सबसे नीचे वाले मंजिल पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है. इट हैज हंड्रेड्स ऑफ बुक्स. यहाँ पे सैकड़ों किताबें हैं. इट हैज बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट. यहाँ पे हर विषय की किताबें हैं. It also has a number of story books and magazines. यहाँ पे बहुत सारी story books भी हैं, कहानियों की भी किताब है और magazines भी हैं. Inside the library there are rows on tables, rows of tables and chairs. Library के अंदर मेज और कुर्सी की कतारें लगी हुई हैं. Rows है टेबल और chairs की, जहाँ पे लोग बच्चे बैठ के books पढ़ते हैं. बिग कैबिनेट्स आर केप्ट ऑल अराउंड द लाइब्रेरी. बड़ी बड़ी कैबिनेट जो है वो लाइब्रेरी के चारों ओर रखी हुई है. बुक्स आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड इन दिस कैबिनेट. इन कैबिनेट्स में जो किताबें उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है. स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस विजिट द लाइब्रेरी एज पर शेड्यूल. जो सारी क्लासेस के बच्चे हैं वो लाइब्रेरी को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? विजिट करते हैं. अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी जाते हैं. वी ऑल हैव लाइब्रेरी कार्ड विच वी कैरी टू स्कूल एवरी डे. हम सभी के पास एक लाइब्रेरी कार्ड है जिसको हम प्रत्येक अपने पास कैरी करते हैं. स्कूल आते हैं जब तो अपने पास लाइब्रेरी कार्ड हमेशा रखते हैं. वी कैन बोरो वन बुक एट अ टाइम फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी. हम स्कूल की लाइब्रेरी से एक बार में एक किताब ले सकते हैं. बोरो मतलब ले लेना, उधार ले लेना, फिर बाद में उसको दे देना. पढ़ने के लिए बोरो कर सकते हैं, फिर हम उसको रिटर्न भी करते हैं.
अवर लाइब्रेरियन इज अ वेरी नाइस लेडी. जो हमारी लाइब्रेरियन है, जो लाइब्रेरी की टेक केयर करती है, वो बहुत ही अच्छी एक लेडी है, महिला है. शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द बुक्स. उनको किताबों के बारे में बहुत सारा ज्ञान है. शी मेक श्योर ऑल बुक्स आर रिटर्न टू द लाइब्रेरी ऑन टाइम. वो ये चीज सुनिश्चित करती है, ये चीज देखती है कि जो किताबें गई हैं वो समय पे लाइब्रेरी में वापस आई हैं कि नहीं. शी मेंटेन्स द लाइब्रेरी वेरी वेल. वो लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, उसको संभालती है. मैनी अ टाइम शी हेल्प्स अस इन लोकेटिंग एंड सेलेक्टिंग बुक्स. बहुत बार क्या होता है, वो हमारी मदद करती है. किसमें मदद करती है? बुक्स को रखने और सेलेक्ट करने में, कहाँ बुक्स को रखना है पढ़ने के बाद और कौन सी बुक पढ़नी है, सिलेक्शन में और लोकेटिंग में वो हमारी मदद करती है. आई लव टू विजिट माई स्कूल लाइब्रेरी. मुझे अपने स्कूल लाइब्रेरी जाना बहुत अच्छा लगता है. एज दिस इज वन प्लेस वेयर आई कैन सिट एंड स्टडी पीसफुली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. यही एक जगह है, यही एक प्लेस है जहां पे मैं आराम से, शांति से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के बैठ के पढ़ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ. ठीक है. सो दिस स्टोरी राइटिंग माई स्कूल लाइब्रेरी इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 13 स्टोरी राइटिंग. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू फ्रेश चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.